आपण इथे बिल्डिंगच्या जंगलात, ते मात्र तिथे निसर्गाच्या सानिध्यात। नोकरी, पगार, घर, गाडी आपली यादी थांबतच नाही, ते मात्र आपली अशी काही यादी बनवतच नाही। ते दराकपाऱ्यात राहतात, झाडांना जपतात, त्यांची गरजही कमी म्हणून अपेक्षाही कमीच। कुठेतरी दूर डोंगरावर वसलेले हे कपाळाने राहतात। आणखी संस्कृती चालीरीती परंपरा धरून चालणारा असा हा आदिवासी समाज। बघूयात या समाजाच्या संस्कृतीचे दर्शन घडवणार आगळं वेगळं संमेलन पालघर मध्ये भरलेलं आहे, पाहूयात। देश विदेशातील आदिवासी आज पालघर मध्ये उपस्थित होते, कारण ही तसंच होतं। आदिवासी एकता महासंमेलन, विविध वेशभूषा, चालीरीती, विविध संस्कृतीचे मिलन या संमेलनात दिसून आले। तसेच पारंपरिक गाणी, पारंपरिक नृत्य, विविध वादांचे वादन, या सगळ्यामुळे या संमेलनाची रंगतच आणखीनच वाढली। आदिवासी समाजात वापरण्यात येणारे साहित्य, तसेच शेतीसाठी वापरण्यात येणारी अवजारे ही प्रदर्शनासाठी येथे ठेवण्यात आली। या संमेलनाला खास उपस्थिती ठरली ती छत्तीसगडच्या राज्यपाल अनुसुया उइके आणि मध्य प्रदेशचे आदिवासी विकास मंत्री आमिर सिंह मरकम यांची। या खास पाहुण्यांचं स्वागत सुद्धा अगदी खास पद्धतीनं तारपा नृत्य, ढोल नृत्य, धुमशा, तसेच आदिवासी पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर करण्यात आलं। या संमेलनाचे उद्दिष्ट म्हणजे आदिवासींची परंपरा, त्यांची वेशभूषा, चालीरीती, या संस्कृतीचे जतन, तसेच समाजापुढे असलेल्या समस्यांचे निराकरण। दरवर्षी आयोजित या संमेलनाला आदिवासी समाज मोठ्या संख्येने उपस्थित असतो। आपले दुःख विसरून तो 3 दिवस या संमेलनात रंगून जातो। डेवलपमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए, मतलब तो आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बड़े बड़े कारखाने जो लगे हुए हैं और जो खदाने माइंस हैं, वो ट्राइबल की ही जगह जमीन पे रखा। देश का डेवलपमेंट अगर विकास करना चाहते हैं तो ये जमीन की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन उसके साथ जो आदिवासियों की जमीन अगर ले रहे हैं तो सरकार की भी उसके अंतर्गत नीति बनाई गई है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो कानून उनको बना है, तो उसके तहत उनका पुनर्वास, मूलभूत उनकी अपनी सुविधाएं, शिक्षा, एजुकेशन, सड़क, तमाम सारी चीज़ें, और उसके बदले में नौकरी। हुआ क्या है कि देखिए, अगर ट्राइबल को आप संतुष्ट नहीं करेंगे और उसको, क्योंकि वो एक नेचर से जुड़ा हुआ रहता है, और जहाँ जहाँ भी इस तरह की सरकार के द्वारा उनके साथ अनजस्टिस अगर हुआ है, वहाँ वहाँ ये आंदोलन छिड़ा है। तो हम यही चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले उनको विस्थापित करने के पहले पूरी मूलभूत सुविधाएं उनके सामने दें। जो प्रावधान है, होता क्या है कि उनको निकाल बाहर कर दिए जाते हैं, आखिर वो कहाँ जाए, आप सड़क पर फेंक दिए जाते हैं, आखिर उसके ज़िंदगी जीने के लिए। और उसका डेवलपमेंट भी ऐसे होना चाहिए कि उसका लगाव जमीन से होते हैं, बहुत बड़े महलों से उसको कोई संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उसके लिए उस तरह की जमीन भी दीजिए, सिंचाई की व्यवस्था भी कीजिए, एजुकेशन की भी व्यवस्था, और साथ में उनको इतनी ऐसी जमीन दें कि वो अपना जानवर और पशु भी पाल सकें। तो ये तमाम सारी चीज़ें से, और मैं समझती हूँ कि अब काफ़ी जागरूकता आ गई है ट्राइबल में। पुराने जो लोग थे, बेचारे लोग अंगूठा लगा दिए जाते थे और उनकी जमीन, ऐसे बहुत सारे जगह ऐसा आज भी भोग रहे हैं। तो मेरा इसमें यही कहना है कि अब ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो लोग तो बेचारे लोग कानून कायदा उतना नहीं जानते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जानने लगी। आज तुम्ही बघत आहे पालघर जिल्ह्यामध्ये विनाशकारी प्रकल्प येऊन राहिलेले आहेत, आणि 8-18 विनाशकारी प्रकल्प आज आमच्या राज्यामध्ये म्हणजे पालघर जिल्ह्याला उद्ध्वस्त करणार आहे। आज आमचा इथला आदिवासी आणि स्थानिक भूमिपुत्र हा पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे, आणि आज आम्ही त्यांना ही ताकद दाखवून दिली आहे। वेळोवेळी वाढवण बंदर असू दे किंवा बुलेट ट्रेनचा विषय असू दे, प्रत्येक वेळेला आम्ही काका आदिवासी एकता परिषद काकाच्या नेतृत्वाखाली आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरलेला आणि त्याच्यामुळे आम्ही हा जो कार्यक्रम आहे, ही ताकद दाखवण्यासाठी हे 27वं संमेलन आम्ही पालघरमध्ये घेतलेलं आहे।
आपण जे म्हणताय की आम्ही जे इथे काही निर्णय घेणार आहे तर आपण त्याचा ठराव घेऊन शासना दरबारी पोहोचवणार आहे की नाही? हो बाबा, आता आम्ही ठराव तुमच्या सह्या केलेले आहेत आणि त्या सह्याच्या स्वरूपामध्ये 10 ते 12 ठराव आहेत, ते आम्ही मॅडमच्या हस्ते, जे छत्तीसगडच्या राज्यपाल आहेत त्यांच्या हस्ते मी पोहोचवणार शासनाकडे. मॅडम म्हणाले की डेव्हलपमेंट साठी काहीतरी आपल्या सोबत आहे या ठिकाणी, यांनी पालघरच्या इकडे दौरा करून घेतला आणि याच्या आदिवासी प्रोग्राम याच्यामध्ये त्यांनी कलेक्टर साहेबांशी महत्वाची बात विचारून घेतलेली आहे. आपण जाणून घेऊ याच्याकडे की आदिवासी जो समाज आहे हा इतका डेव्हलप कंट्री असतानाही इतकं मागे आहे, यामागे आपण काय प्रयत्न करतील सर? आज इतका टेक्नॉलॉजी आ रही है, सब तरह की टेक्नॉलॉजी समाज काफी पिछड़े देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो चुनौती भी बनते जा रही है. आज इसको हमें समझना है. आज हमारा जीवन लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रहे, लोगों के बीच में शांति कैसे रहे, विश्व स्तर की शांति का अगर आप मूल आधार ढूंढेंगे तो आपको आदिवासी जीवन पद्धति ही मिलेगा. प्रगति के साथ हम हैं पर मानवीय मूल को सहेज के रखने के साथ भी हम हैं. आदिवासियों का आज जो चुनौतीपूर्ण जीवन है हमारा, ये सिर्फ हमें लिए, हमारे लिए बस चुनौती नहीं है, ये आने वाले कल में जो देश और दुनिया शांति चाहती है उसके लिए भी चुनौती है. इसलिए हम चाहते हैं कि प्रगति हो पर प्रकृति के साथ. सर, पालघर में 4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, एक बॉर्डर बंदर का है, एक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है और एक कॉरिडोर है. तो इसमें आदिवासियों की जमीन सबसे ज़्यादा जा रही है, उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार जो है टाल मटोल कर रही है, तो आप उसमें बताएंगे कि आपको उस बारे में जानकारी मिली है? देखिए, आप जो बता रहे हैं वैसे मैं पहले से इन विषयों को लेकर के चिंतित रहता हूँ. बहुत जगह जो विकास हुए हैं उस पर हमारे लोगों का जीवन को भी सहेज के रखना, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ प्रगति के साथ हम हैं, पर अगर प्रगति हो रहा है तो हमें पीछे करके प्रगति कैसा, लोकतंत्र का क्या मूल्यों को सहेज रख पाएगा? इसलिए हमारा कहना है कि प्रगति के हम साथ हैं पर प्रगति जो हो रहा है उसमें हमारे आदिवासियों का बराबर का सहभागिता होना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश है. सर्व प्रश्न आपण विचारले मंत्री महोदयशी, त्यांनी सांगितलं आहे खरोखर आदिवासी जे संस्कृती वाचवणार आहे, आदिवासी कसं प्रगती होईल त्याचा विचार करणार आहे, त्याचे कुठे करप्शन असेल तर त्याच्यावर पाऊल उचलणार आहे. कॅमेरामॅन उमाकांत भरतीचा आशा शेख, MPN.